हिंदी का पौराणिक नाटक है। पहला ऑप्शन है फूलों की बोली, दूसरा भारत जननी, गंगा का बेटा, सती प्रताप। तो यहाँ पर बच्चों गंगा का बेटा होगा, गंगा का बेटा। अब दूसरा जो क्वेश्चन आया कि नील देवी किस विधा की रचना है। ऑप्शन में है आपका रेखा चित्र, नाटक, संस्मरण, आत्मकथा। तो बच्चों यहाँ पर नील देवी की विधा है नाटक, नाटक है नील देवी। इसके बाद जो है तो इनमें जो है आधुनिक युग के कहानीकार हैं, मेन बात यहाँ विष्णु अवतार नहीं, विष्णु प्रभाकर है। तो आप लोग विष्णु प्रभाकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और मुंशी प्रेमचंद। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर, ये गलत लिख गया है ऑप्शन, है ना। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की महिला महिला कहानीकार है। नंबर एक है महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, मन्नू भंडारी, शकुंतला। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी होगा। इसके बाद बच्चों कानों में कंगना, कानों में कंगना किस विधा की रचना है। नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो बच्चों इसकी विधा होगी नाटक, इसकी विधा होगी नाटक। अब इमा लिखा कि आज्ञेय की रचना इनमें से कौन नहीं है। तमाम चीजें इसमें लिखी हैं, भग्नदूत, पूर्वा, तार सप्तक, प्रलय सृजन। तो जो ये प्रलय सृजन ऑप्शन है ये जो है आज्ञेय का नहीं है। फिर इसके बाद आता है निम्न में प्रयोगवादी कवि कौन है। तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा भूषण बिहारी पंत आज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय। यही अज्ञेय ही इसमें है कि जो प्रयोगवादी कवि है। इसके बाद बड़ा ही टॉपिक वाला क्वेश्चन इसमें रख दिया है कि जनवादी कविता के बृहद त्रयी में आते हैं। तो इसका जो है क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल, ये इसमें बृहद त्रयी में आते हैं। इसके बाद निम्न में वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल आदिकाल वही है ना। तो यहाँ पर जो है जो पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा, पृथ्वीराज के जमाने में थे, उनके दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। इसके बाद आता है संसद से सड़क तक रचना है, मुक्तिबोध, धूमिल, नागार्जुन, अज्ञेय। तो बच्चों यहाँ पर जो है धूमिल आएगा, पांडे जी हैं ये, धूमिल आएगा इसमें। अब इसमें लिखा है कि निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर, अब उनके जो क्वेश्चन है पांच ठैया, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर, है ना, आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक ने भी उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का ही एक अखाड़ा है, यही तो है। ये पांच क्वेश्चनों के जवाब इसमें आपको देना है, ये आप तैयार कर लीजिए किताब से। हम इसीलिए कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो हरदम के लिए वीडियो आएंगी।